ये छत का हाल है, पूरी सीटें जा चुकी हैं। ये दादाजी हैं सामने, यहाँ इनके यहाँ पानी भरा हुआ है, ये देखिए। विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। विंध्य में कल आंधी तूफान के द्वारा काफी तबाही मचाई गई। हालात यह रहा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। स्थिति यह रही कि रीवा में अपना पचे दुखद समाचार सुनबे बहन के शिल्पी प्लाजा अंतर्गत एक टावर जो है एक युवक के ऊपर गिरा और युवक के जो है निधन हो गया, दुखद निधन। और रामपुर में अपना पंचन बता दी कि सीधी के रामपुर नैकिन में बुढ़गौना में एक वृद्ध के ऊपर जो है छत गिर गए, मतलब खपरेल छत घर के छत गिर गए, जो उन्हें से उनका दुखद निधन हो गया। तो मतलब एक भारी तबाही देखने को मिली कल जब यह तूफान आवा। यह तूफान लोगन से उनका राशियाना छीन लीस, गरीबन से उनका राशियाना छीन लीस। हालात यह है कि एक भारी तबाही जो है देखने को मिली। अपना पंचन बता दी कि आज जो है सीधी जिला के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी पूरे प्रशासनिक अमला के साथ रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत पहुंचे हैं, जहां उनके द्वारा पूरे यह क्षतिपूर्ति के मुआवजा मुआयना कराए गए हैं। और यह मुआवजा के जा जैसा प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है प्रशासनिक मुआवजा के, ओकर जल्द आवंटन के बाद उनके द्वारा कही जा लगी। किंतु रोंगटे खड़ी कह दे वाली यह तस्वीर ही कि लोग कितने मेहनत से एक आसियाना तैयार करत है, किंतु प्रकृति के तबाही या मंजर देख के कहो न कहो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालात यह है कि एक गरीब जो दुई वक्त के रोटी की जद्दोजहद करत है, किंतु जब भगवान कहर बन के टूट जाए तब अपना कल्पना करी कि हालात का हुई। ये पेड़ देखी, पेड़ मतलब कुल मिला के एक भारी तबाही। घर के सामने अधिकतर लोग पेड़ गावन में लगावा थे, वो पेड़ उनके खेतिर काल के गाल बन गया, वो पेड़ उनके घर का तहस नहस कह दी। यह तस्वीर जो उन लाइव तस्वीर अपना कल के दिखाई लगे कि यह तस्वीर जो है बेहद दुख भरी तस्वीर ही। और यह स्थिति है कि पेड़ घर छत सब तबाह हो गया। या कल के आधी तूफान में कुछ मवेशियों की जान गए, कुछ व्यक्तियों के निधन भाव, दुखद निधन भाव। तो यह कहो न कहो यह मंजर आदमी का अंदर से झकझोर देते हैं। और यह कहो न कहो एक प्रकृति के ऐसा रौद्र रूप, बहुत एक कहा जाए कि ऐसा स्वरूप देख के आदमी इंसान के रोंगटा खड़ा हो जाता है। देखी पूरा जमीनी हालात।
पैसे हो चुकी है। यहाँ गांव वालों का हाल बेहाल है। ये सब जो घर के ऊपर खपड़े थे, छाए हुए थे, सब उड़ चुके हैं। ये घर की हालत है, देखिए। पेड़ गिरे हुए हैं आंधी और तूफान से। तूफान का कहर इतना ज्यादा था और पत्थर भी गिरे हैं बहुत ज्यादा। 100-100 ग्राम के पत्थर गिरे हुए हैं। पत्थर तो अभी नहीं है। ये देखिए पूरी रोड जाम है। घर गिर चुका है, देखिए। इतना आंधी और तूफान आया है, महाप्रलय आ चुका है, महाप्रलय जिसको बोलते हैं। ये कहर देखिए, यहाँ पे पूरा सीट सब जा चुकी है। ये पानी भरा हुआ है। ये ऐसे लेटी हुई है दादी जी।